सत श्री अकाल कॉपी टू ऑल। हेलो सर। बाबियो आप कहां रसोई में था? बोल रही हूं कि अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ये बनाने की कोशिश कर रहा है दावत, लेकिन इसको पता नहीं है ये कौन से घर में बैठा है यहाँ। तो ये कोशिश कर रहा है तो मैं जरा वेट कर रही हूँ। अरे मिल जाएगा ना, जरूर मिल जाएगा। अरे बाप रे परी, ऐसे कैसे? ये इनका शूराक है, फ्रिज मत समझो। अच्छा अच्छा अच्छा, लगे रहो, वायदे और अंडे टूटते कोशिश कामयाब होती है। इसमें जरूर कुछ मिलेगा। अच्छा मेरा चप्पल फाइनली। तो परी सच्ची में कुछ नहीं मिलने वाला? ओ ये क्या है? ओ शॉल। ये सब छोड़ो, तुम चाय बनाओ, ये लो। पर दूध? बकरी है ना, बकरी से निकालो। अच्छा। बकरी दूध तभी देगी अगर उसकी पप्पी लोगे। अरे ये तो दूध नहीं देती, नहीं तो दूध नहीं देती। पर ये तो लकड़ी की बकरी है। पूंछ मत खींचना, धुलत्ती मारती है। हेलो हेलो हाय। निकालो निकालो। क्या करता हूँ? नहीं इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है परी। देखो जब कपिल के घर पे आओ तो पागलों वाली बातें ही करनी पड़ती हैं। जूतों की दावत और लकड़ी। कपिल कपिल बहुत ही प्यार से मैंने तुम्हारे लिए दावत बनाई है, मैंने ही बनाई है। प्लीज टेस्ट सर। कुछ और बनाती है तो हम खाते रहते हैं। एक बात बताओ, आप हमारे किचन में क्या कर रहे हैं? यार इसको किचन तो मत बोलो, इससे ज्यादा खाने पीने के सामान तो मेरे गैराज में पड़ी है। शुक्र करो अभी तुमने हमारा बाथरूम नहीं देखा। बिना छत वाला बाथरूम देख ले तो गश खा के गिर जाती। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी दूर दूर से यहाँ पे शो देखने आए हैं। आदित्य परिणीति आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। परिणीति तो पहले भी काफी बार आ चुकी हैं। जी। सो पहला सवाल मेरा आदित्य से है। ब्रो व्हाई हैव यू कम सो लेट ऑन माय शो? सर यू आर नॉट इनवाइटेड मी ओनली, अभी क्या करे? नहीं नहीं ये गलत बात है। और आशिकी टू और ये जवानी है दीवानी के बाद आई वाज इन रिहैब, तो अभी निकल गया हूं रिहैब से और फाइनली। चलिए अच्छी बात है। और जैसा कि आदित्य ने कहा आशिकी टू, आशिकी टू की जबरदस्त ग्रैंड सक्सेस के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। हालांकि कुछ दिन पहले यहाँ पे श्रद्धा कपूर आई थी, उन्होंने ये कहा था कि ये फिल्म उनकी वजह से हिट हुई है। एक्चुअली उसकी वजह से हुई है, डेफिनेटली श्रद्धा की वजह से। ये तो पी के पड़ा हुआ था तो पता नहीं इसने क्या किया। और परिणीति तो बाजी, मतलब मेरा पता नहीं चोपड़ा के साथ क्या खास क्या है, ये कुड़ी बॉम्ब है, बॉम्ब। देखो अच्छा, आपके मुंह से कभी कभी सच निकल जाता है। यार कमाल कर यार, तू एटम बॉम्ब है। क्षमा की लौ में जल जाना चाहत परवाने के दिल की है, वाह। और दिल के बागबां में कभी कभी कली मोहब्बत की भी खिलती है, हजारों डूब जाते हैं आग के इस दरिया को पार करते करते, पर खुदा की रहमत से आशिकों को दावते इश्क की सौगात मिली। अरे वाह। अरे मैं आपको बताऊं, परिणीति को ज्यादा काम करना अच्छा नहीं लगता है, ये तो कनेक्शन है कोई, ये बार बार मेरे चक्कर में फिल्में करती रहती है। भाई यू आर सो मच इन लव विद मी परिणीति। कपिल जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आई लव यू, कपिल मेरी बात सुन, तेरे दिन फिर गए गुरु, तेरे दिन फिर गए। जो आती थी वो तुझे भैया कह के जाती थी, वो कह रही आई लव यू, तेरे दिन फिर गए। उसके दिमाग में भी नहीं है, आप बोल बोल के याद दिला दो। खैर आप हमें बताएंगे दावते इश्क में किस किस तरह की डिशेस जो हैं हमारे दर्शकों को देखने को मिलेंगी? ये पिक्चर उन लोगों के बारे में, एंड आई थिंक काफी लोग हैं जिनको खाने से बहुत प्यार है। okay. जैसे कि हम सब अपने आप को फूडीज बोलते हैं,
तो आप में से काफी लोग आई एम श्योर फूडीज हैं, आपको खाना खाना पसंद है, तो खाना मतलब इसमें भरपूर है, मतलब अगर पिक्चर देख के भूख नहीं लगे तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। और क्या क्या है? और इश्क भी है बहुत सारा, रोमांस भी है, डांस तो आप हैं, रोमांस भी है। इसमें आदित्य ने अल्कोहल नहीं पिए इस पिक्चर भाई। फिल्म का नाम सुनकर मेरे को लगा था कि इसमें ना ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी अपने को कि रोस्टेड पप्पी यू नो, चुम्मा दो प्याजा, मलाई वाली जफ्फी, ऐसी टाइप चीजें। खैर मजाक अपनी जगह बाजी, परिणीति ने बड़ा अच्छा हैदराबादी एक्सेंट पकड़ा है, हमने ट्रेलर में देखा, आप एक डायलॉग बोल रही हैं, मिस्टर वर्ल्ड काइकू मिस्टर यूनिवर्स मिलेगा। हाँ यही, मिस्टर वर्ल्ड काइकू मिस्टर यूनिवर्स मिलेगा। ये जो मिस्टर यूनिवर्स की आप बात कर रही हैं, उसमें आप कैसी क्वालिटीज ढूंढ रही हैं? वो अर्जुन कपूर जैसा गुंडा होना चाहिए, सिद्धार्थ जैसा अच्छा इंसान होना चाहिए, या आदित्य जैसा पलंग तोड़ा? कपिल बिल्कुल तुम्हारी तरह होना चाहिए यार। मतलब तीनों का मिक्सचर। सर मैं हट जाता हूँ बीच में से, प्लीज चेंज कर दीजिए। एक बार जोरदार तालियां परी और आदित्य के लिए, आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए, ढेर सारी बातें करेंगे आपके साथ। आपको पता पाजी, आदित्य ने अपनी पहली दो फिल्मों में जम के मतलब दारू का सेवन किया है, एक्टिंग की है, तो मैं अपने दर्शकों का ये भ्रम खोलना चाहता हूँ कि ये शराब पी के ही शराबी की एक्टिंग नहीं होती, वैसे भी हो सकती है। यस सर। तो हम लोग एक छोटा सा मोमेंट यहाँ पे करके आप लोगों को विश्वास दिला देते हैं कि आदित्य ने फिल्म में शराब नहीं पी हुई थी। परी आप यहाँ पे खड़ी हैं बस स्टॉप पे, बारिश हो रही है, दो शराबी आ गए बाहर से, अच्छा तो आदित्य शराबी, आपको छेड़ना है परिणीति को, पिछली बार मैंने छेड़ा था परी को। अच्छा मैं खड़ी हूं। ओके मैं एक्शन बोलूंगा, ये छाता है। अब छेड़ने की इतनी जल्दी क्यों आपको? दो मिनट। अच्छा जी। ओके लड़की बस स्टॉप पे खड़ी है, बारिश भी हो रही, थोड़ी सी गीली भी, आप इमेजिन कर लीजिए। ओके प्रॉपर हमारा बजट है शो का, ऐसी बात नहीं, लड़की भीगी हुई है, शराबी बाहर से आया और उसके पीछे उसका दोस्त भी, एक लड़की भीगी भागी सी, किधर जा रही है मैडम? ओ मैडम, यस आई डोंट नो व्हाट्स योर प्लान मैडम। हेलो यू हैव एनी प्लान? प्लीज गो फ्रॉम हियर, आई एम वेटिंग फॉर द बस। यू वांट टू हैव लिटिल लेटर? मैम आई वांट, चलिए ना यहाँ से, चल के तो आए हैं, अब यहाँ से भाग जाइए। अरे भाग जा रहे हम, पीटी उषा भीग रही हो, सर्दी लग रही हो, थोड़ी ब्रांडी मार लो। क्या चाहिए, क्या काम है मैम? मेरे को लेके आया था, बोलता उसको एक बार हेलो है बोलो, पट जाती है मेरे को। क्या तो आ जाओ मैडम, हमने ज्यादा जो कम प्लीज तो बिना शराब पी के भी शराबी वाली एक्टिंग हो जाती है, आप मान गए हो। थैंक यू। अच्छा परी, आपने जितनी भी फिल्में की हैं, इश्क ज्यादे हो, चाहे शुद्ध देसी रोमांस हो, चाहे हंसी तो फंसी हो, आप सब फिल्मों में लगातार भाग रही हैं। अभी भी हाँ, मैंने अभी दावतेश का भी देखा, उसमें भी आप भाग ही रही हैं। करेक्ट। मैं भाग रही हूँ इशक ज्यादे में, उसमें शुद्ध देसी में शादी में भागी थी, हंसी हंसी में घर से भाग गई। तो दावते इश्क में भी जो है परी भाग ही रही है, तो इतना भागती हो, किस दिन टाइम निकाल के भाग जाओ परमानेंटली मतलब। एक्चुअली मुझे अभी अभी ये रियलाइज हुआ है, मुझे स्क्रिप्ट जरा ध्यान से पढ़नी पड़ेगी नेक्स्ट टाइम। नहीं पर अच्छी बात है ना। लेकिन किसके साथ भागना है अब? अच्छा हाय कितना शर्मा रहा है, देख शर्मा नहीं रहा, पिघल रहा है जैसे लाल के लाल, जैसे गरम गरम आलू के पराठे पे मक्खन पिघलता ना, वैसे पिघल रहा ठोको ठोको। एक बात है पाजी, जो जो आपके साथ हो रहा ना मेरे पे डाल रहे हो आप। खैर आदित्य, आप इस फिल्म में शेफ बने हैं। हाँ जी। आपने इससे पहले जो फिल्में की उसमें आपके साथ दीपिका हैं, श्रद्धा हैं, अभी परिणीति के साथ आप फिल्म कर रहे हैं, तो मैं खाने से रिलेटेड एक सवाल पूछता हूँ कि दीपिका को, श्रद्धा को और परी को
अगर किसी एक एक डिश के साथ डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे आप? अच्छा 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 तो परी होगी मिसल पाव. What? दीपिका होगी. एक सेकंड, मिसल पाव के मैं वो क्लियर किया जाए कि क्यों मिसल पाव. यार ये मिसल पाव है हमारी लड़की. मन में आ गया कि एक क्रेविंग आया था तो आई सेड मिसल पाव. मिसल पाव. मतलब मुझे लगा ये तारीफ का मोमेंट है. नो, मिसल पाव इज वेरी गुड. चलो आगे वाली को सुन लेते हैं. दीपिका क्या है? You better give a good answer. दही बटाटा पूरी. दही बटाटा पूरी? Why not? What is wrong with this? और श्रद्धा कपूर? श्रद्धा रह गई है. श्रद्धा तेनु की है? श्रद्धा डोसा मत बोल दियो. चकना हो समथिंग. सूखा भेल. सूखा भेल. सूखा भेल. मैंने एक एक चीज तो देखी है आदित्य की ना, ये एग्जांपल्स का बजट थोड़ा कमी है. मेन कोर्स में कोई सब्जी नहीं यूज की, सारे स्टार्टर्स. आई एम वेरी अपसेट राइट नाउ. अच्छा सेम क्वेश्चन फॉर यू परी. वो खफा हो गई. अब आपका टाइम है, आप आराम से टाइम लेके. दही वड़े से एक रुपया ज्यादा नहीं है आदित्य. जीरा आलू. जीरा आलू. जीरा आलू. करेला. अभी दो और रहते हैं, अर्जुन और सिद्धार्थ. उनके बारे में बता रहे हैं आपको. अर्जुन क्या है? तीखी मिर्ची. काफी इंटेंस है वो. ओ अच्छा. ओ और सिड रसगुल्ला. स्वीट. जीरा आलू. करेला. Mix. कुछ बताओ क्या है ये? भिंडी. भिंडी. लौकी. भिंडी. टिंडी. और भिंडी. एक मिनट शो दे ना, सब्जी मंडी में आए आप लोग. अच्छा परी, आपके और प्रियंका के रिलेशंस कैसे हैं? मुझे पता है आपकी बड़ी सिस्टर है. थोड़ी देर पहले मुझे परी बोली थी, कहती यार ये ना मैं, हम लोग बहने हैं, हमारा इतना प्यार है, लेकिन जानबूझ के लोग पूछते हैं अच्छा कैसे रिलेशन है. उनको लगता है कि हाँ. ऐसा क्यों लगता है लोगों को? आई थिंक सबको इंप्रेशन है कि अगर कोई भाई बहन है या कोई वो है, अगर इंडस्ट्री में है तो मतलब लड़ रहे हैं दोनों. बट ऐसा हो सकता है कि नहीं लड़ रहे हैं सच में. मतलब सच में हमें बहुत प्यार है, बहुत फ्रेंडशिप है, तो नहीं लड़ रहे हम लोग. लेकिन मुझे पता है तुम्हारा अगला सवाल क्या होने वाला है. नहीं नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि आपस में कॉम्पिटिशन है, क्योंकि जब प्रियंका आती है उसको थोड़ी देर बाद ये आ जाती है परी. अच्छा. तो आप दोनों बहनें मिलकर डिसाइड क्यों नहीं कर लेती कि वो इज इन लव विद मी? सो दे आर बोथ इन लव विद यू. या एक्चुअली घर में हमारी इसी बात पे लड़ाई होती है कि किसको कपिल मिलेगा. तो बहुत ही हम लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पाए अभी तक. तू बड़ा आज मुर्गी चोर लग रहा है बे. आज फिर रजाई दुहेड़ के तूने शेरवानी बनवा ली. तुझे यहाँ बुलाया किसने? घर में एक कुक आया है साहब जी. हाँ. है? तो इनका स्वागत करना मेरा फर्ज बनता है. फर्ज बनता है, पहले ब्रश करना नहीं बनता तेरा? स्मेल आ रही यहाँ तक. कोई बात नहीं, कुछ आ ही रहा है, कुछ जा थोड़ी रहा है. और वैसे भी मेरे मुंह से तो स्मेल आ ही नहीं सकती. हाँ, बनियान से आ रही होगी. टाइम निकाल के धो लिया मर लिया करो कभी. टाइम मिलता कहाँ है, पिछले 15 दिन से तो आपने पहनी थी. अच्छा कुक तो ऐसे रहना जैसे इटली में पिज्जा आइस ने आविष्कार किया था. हाँ. इसे पूछो आते थे भाई क्या बनाना आता है, एक दो डिश पूछो, ये शेफ है. पनीर दो प्याजा बनाने आता है क्या? कैसे बनाते पनीर दो प्याजा? ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है. क्या कैसा क्वेश्चन है? पनीर तो आउट ऑफ सिलेबस. और क्या, पनीर तो हम इधर शादी की शादी खाते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. मैं पानी दो प्याजा बहुत अच्छा बना सकता हूँ. पानी दो प्याजा. बिल्कुल. वो कैसे? बड़ा सिंपल है, प्याज को काटो, आंखों में पानी आए, डिश तैयार. अच्छा कोई चिकन डिश बनता है क्या? कोई भी चिकन का कोई डिश? चिकन डिश ये बड़ी आसान है इधर. हाँ. आप सबसे पहले 2 किलो आलू ले, उसको अच्छी तरह से धोएं. हाँ. चिकन चिकन डिश. हाँ, इधर वही होता है, ये आलू पर चिकन चिकन लिखते रहते हैं. अरे यार सिद्धू भाजी, मैं आपको ये क्या बताऊं आपको. कल ये साहब जी पता क्या कर रहे थे? कल ये आलू बॉईल कर रहे थे. मैं कह ये क्या कर रहे हो? कहते आज बॉइल्ड चिकन खाने का मन कर रहा है.
अच्छा चलो कबैदी, तुमने लास्ट टाइम अच्छा खाना कब खाया था? अच्छा क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया मैंने यार? कुछ गलत कह दिया? कुछ अरे बाप रे, अरे रोना बंद हो यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रोना नहीं रोना नहीं। अच्छा एक मत रो यार, मत रो, तेरे को ऐसे रो, देख के मेरी हंसी निकल रही है यार, हमने कुछ गलत कह दिया क्या? आप एक काम करो, तुम लखनऊ आ जाओ, मैं आपको अच्छा खाना खिलाता हूं। हां क्या अच्छा कहा आपने? लखनऊ आओ, हम आपको अच्छा खाना खिलाएंगे। खाना तो आप खिला देंगे, आने जाने का किराया कौन देगा? यार जिस हिसाब से मतलब तुम्हारी ड्रेस देख के जितना तुमने काजल लगाया, हमें लगा हो जाएगा। क्या मैं लखनऊ से हूँ? मैं लखनऊ से नहीं हूँ, मैं ये काजल नहीं है, ये लूना की ग्रीस है, उसको तो कोई चलाता नहीं है। ये टोपी कैसे खरीदी है यार? ये मैंने आपके साथ कॉम्बिनेशन मिलाया है। ये टोपी थोड़ी ना है। हाँ जी, शैम्पू नहीं किए, बाल अकड़े हुए हैं। चलो हो गया ना, जरा अभी जा निकल यहाँ से, एक और निकल जाए यहाँ से, एक नहीं नहीं एक और कुछ बोलिए प्लीज, मेरा दिल कर रहा है आज। सीधी गाली देते चलेगा? नहीं, एक बेइज्जती और थोड़ी सी, मेरा दिल कर रहा है, मेरे को बेइज्जती बड़ी जोर से लगी हुई है, जल्दी से एक और। चल राजू निकल यहाँ से, भाग, दबा जा, आयो ना मर गया। वाह परिणीति, हाँ है, कैसे हो? हाँ गुरु करी, कैसे आप लोग, ठीक है ना? मैंने हालचाल पूछ लिया है तेरे, ज्यादा तेरे अलग बताएगा तेरे को। नहीं नहीं, हालचाल पूछ लिया है। हाँ। चलो मैं दूसरी बात पूछ लेता हूँ। हाय परिणीति। हाय, व्हाट योर मोबाइल नंबर? तेरे को परिणीति अपना मोबाइल नंबर क्यों देगी? जो भी मेरे पकौड़े खाता है ना, फिर फोन करके मुझे बोलता है बड़े अच्छे बनाते हो, और मिल सकते हैं क्या? देखिए मैं आपके लिए पकोड़े लेकर आया हूँ जी। ये देखिए पकोड़े, अपने हाथ से बनाए, मुझे पता था ये भूखा नंगा खानदान किसी को क्या पूछेगा। एक सेकंड। अरे मतलब तेरे पकोड़े खाएगी परिणीति चोपड़ा? तो क्या आदमी का मुंह खुद का समोसा जैसा हो ना, उसको लगता है सारे पकोड़े खाते हैं। पकड़ अपने पकोड़े, निकल यहाँ से, ऐसे निकल यहाँ से, जो मैं कहने के लिए वो बोलकर जाऊंगा। हाँ। पिछले साल से निकाल लें, बिक नहीं रहे, कहते जब तक बिकेंगे नहीं, नहीं नहीं निकालूंगा। मैंने ये बड़ी मुश्किल से निकाले हैं, तेल इतना गर्म था, हाथ जा ही नहीं रहा था अंदर। ये कर रहा है बकवास, मैं तो अच्छी बातें कर रहा था, करने के आए यहाँ पे। आपकी दावते इश्क आ रही है जी, तो दावते इश्क आ रही हो जी, और दो इश्क करने वाले आपस में ना मिला के जाओ, कितनी बुरी बात है। हाँ, हाँ। कुछ ऐसा कर दो कि मेरी दावते इश्क भी आपकी फिल्म के साथ ही रिलीज हो जाए। अबे चल बे चल, हमें तेरा रिश्ता मंजूर नहीं है। ओ मैं कक्के, मैं सो स्वीट टू। भाई साहब, हर बात को अपनी फैमिली में क्यों ले जाते हो? मैंने तेरी बुआ का नाम लिया। गदा जब गाना भी गाएगा ना, तो ढेंचू ढेंचू ही करेगा। ये घूम फिर के इसकी सुई मेरी बुआ पे आएगी, आई नो। लेकिन एक मिनट, मेरे पास सवाल है, क्यों रिश्ता मंजूर नहीं है यार? तो इसमें प्रॉब्लम भी क्या है? हाँ। क्या प्रॉब्लम है? देखो ना, मैं दुबई रिटर्न से दुबा जी, चमक वाली जाके, और इसकी बुआ 717 बार दूल्हा रिटर्न। तू तो शुक्र मना कि बंदरों से प्रसाद छीनने वाली फैमिली के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है। किसी टाइम निकाल के गाड़ी के नीचे आ जा। हम अमीर लोग हैं, हम गाड़ी के ऊपर आते हैं, तू गरीब है, तू गाड़ी के नीचे आएगा। काम क्या करता है? ओहो, जरा सिद्धू भाई देखना तो सही। बैलगाड़ी वाला हाथ गाड़ी वाले से पूछ रहा है तू काम क्या करता है। मैं काम नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ। तू रिश्ता लेके आया ना, तू अपनी बात कर, तू क्या करता है? मैं एक्चुअली जी मेरा बिजनेस है जी, पकौड़ास का। किसका? पकौड़ास। पकौड़ास। और मैं अपनी खूबी क्या क्या बताऊं, मैं क्या हूं, मैं अपनी तारीफ में क्या कहूं। मोहल्ले में किसी की भी दादी शराब पी के गिरी हो,
उसे नाली से उठा के उनके घर तक पहुंचा के आता हूँ। और इस मोहल्ले में सिर्फ दो ही दादियां हैं। हाँ। एक तो चली गई तीर्थ यात्रा पे, दूसरी आप समझदार हैं। यार मुझे नहीं लगता कि ये बुआ के लिए ठीक है। अरे यार जब बुआ को हो मंजूर। हाँ। लड़का चाहे लगे लंगूर। आदित्य रॉय कपूर, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बुआ से भी पता करना चाहिए कि वो प्यार करते हैं कि नहीं ना। हाँ। है ना? बुआ तो सबसे करती है, इसने सीरियसली ले लिया उसको। एक तो मेरी बुआ फूफे जैसी, ऊपर से फूफा समोसा जैसा। चला कोई तो मैच हो आपस में। बुआ बुआ से कोई लेना देना नहीं इसको। बुआ तो इसका मुंह देखना नहीं पसंद करती। मैं भी सच्चाई सामने लाता हूँ। हाँ। बुलाता हूँ बुआ को। बुला बुआ। हाँ। ऐसे नहीं आएगी बुआ। नहीं ऐसे नहीं आएगी बुआ। तू मैं बुआ के लिए बहस कर रहा है, तेरी हफ्ते ना तू इसी के साथ ही जा। हेलो हेलो परिणीति। हेलो हेलो आदित्य। हाय। अच्छा लगा ना मैंने तेरी बुआ के लिए सीटी मारी। शर्म नहीं आती? कुकर जैसा मुंह, इसका मतलब ये सीटी बजाते रहो। मैं क्या, पूरे मोहल्ले में कोई भी सीटी बजाए ये भाग के चली जाती है। अभी सिद्धू पाजी परसों हॉकी का मैच हो रहा था, अंपायर के पीछे भाग रही थी। आप ही बता दो आपको किस लड़की से ज्यादा प्यार है। लो जी क्या बात पूछ रही है। पूरी दुनिया को पता है कि मुझे जिससे सबसे ज्यादा प्यार है ना, वो है आदित्य रॉय कपूर। बेवफा बेवफा, खूबसूरत लड़का देखकर यू टर्न मार गई। तूने पूरे साल पकौड़े तल तल के उतने पैसे नहीं कमाने जितने की शराब आशिकी 2 में एक ही बार पीकर से की। चल चल अपने सड़े हुए समोसे जैसा मुंह लेके यहाँ से भाग जा, जा दफा हो। हाँ मैं चला जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना पिंकी। क्या? दिल तोड़ने वाले की बद्दुआ लगती है। हा? कभी खुश नहीं रह पाओगी। मुझे क्या, मुझे तो कोई ना कोई लड़की मिल जाएगी, मेरे पास पैसे की कमी। जा जा जा, मेरे पास भी बॉयफ्रेंड्स की कमी नहीं। यार बेचारा, मुझे लगा था बुआ को खुश रख पाएगा यार, अच्छा लड़का था। नहीं नहीं, इनसे ज्यादा अच्छा नहीं। प्लीज थोड़ी जगह छोड़िए। इतना आपको उस लड़के पे विश्वास था ना जी, उससे ज्यादा मेरे को बुआ पे था कि ये आएगी आदित्य को देखेगी। हाँ, यू टर्न मारेगी, ऐसा विश्वास मुझे भी था अंदर। हेलो बिट्टू क्या करूं, ये तो चीज ही ऐसी है। एक ड्रिंक मिले? नहीं आप इधर आइए, इधर आइए। सुनिए, हाँ जी, हम लोग ना अपने फ्यूचर के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा फ्यूचर। अच्छा अच्छा अच्छा, अब हुआ किस टाइप की बातें करना? फ्यूचर उनका होता है जो टीनेजर होते हैं। तू औरंगजेब के साथ एक कंचे खेलती रही, तू शर्म कर। चुप कर चुप कर, आप इधर आइए। हाँ जी सुनिए। हाँ। आपने वो गाना गाया था ना, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। हाँ। मैंने ना वो गाना ही नहीं सुना, अगर मैंने सुना होता ना तो 2 मिनट भी मैं आपको रोने ना देती। पर ये मजाक नहीं कर रही, सच्ची में आपको चुप करा देती। ये पार्ट टाइम बेबी सिटिंग का काम भी करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। बिट्टू क्या बिट्टू बिट्टू, तेरे को दिख नहीं रहा परिणीति के साथ आया, फिर भी लाइन पे लाइन मारे जा रही है। लो परिणीति की तो बात मत करो, आप इधर आओ। ओके मैं आपको बताऊं, ये जो लड़की पीछे बैठी है ना, बहुत बड़ी तोखेबाज है। यहाँ 3-3 बार आई हमारे शो में, 3 बार अलग लड़कों के साथ। सही बात है। अरे क्या, आप मेरे साथ थोड़ा सा रोमांटिक हो जाइए। ओके फिर देख लीजिएगा। ओके
कि ऐसी सारी हीरोइनों को भूल जाएंगे आप है? देखते हैं। एक और बात कहूं, आशिकी 2 में इतनी सारी शराब क्यों पी ली आपने? आपने घर में शराब का ठेका खोल रखा था। चलो सीटियां मत बजाओ, सीटियां मत बजाओ, गाना बजाओ गाना। छोड़ दो उसको, भगवान के लिए छोड़ दो, मैं किसी के लिए नहीं छोड़ूंगी, ये सर मेरे हैं। बचाओ बचाओ इसके, इसके नहीं देखे, ठीक ठीक इसके इस पे शोल्डर पे काटो बिट्टू। मैंने कौन ही मारो, फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया बिट्टू, ये देख उसने तो तेरे आने से पहले रिजेक्ट कर दिया तेरे को। यार एक सवाल है मेरे पास। कौन सा यार, इतने पुराने गाने पे क्यों डांस किया? मैं तो नए नए गानों से पटाया उसको। मुझे पता था आदित्य के लिए तो नया बजा दो। नया नहीं, नया बजा दो। आशिकी 2 का ही बजाने वाले थे पहले, पर ये हमने बुआ की और आदित्य की उम्र का एवरेज निकाल के ना। तो चाहे तो मैं चली जाती हूँ। सुनिए, हाँ जी, वहाँ पीछे लेफ्ट हैंड साइड में मेरा बेडरूम है, बिना नॉक किए आ जाना, मैं इंतजार कर रही हूँ। ड्रिंक की जरूरत है। एक्चुअली ना उसको काफी दिनों बाद एक्चुअली फ्रेश पीस नजर आया। चलिए कोई बात नहीं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, नो प्रॉब्लम सर, जो उन्होंने आपके साथ मतलब किया। नहीं, इट्स फाइन सर। नहीं फाइन नहीं, बुरा ही था वो। ओके, मैं समझ सकता हूँ। पर एनीवेज अभी आपका मूड मैं खुश कर देता हूँ, बिकॉज आपके चाहने वाले यहाँ पे भर भर के काफी तादाद में बैठे हैं, जो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपकी आने वाली फिल्म को लेकर उनके मन में कुछ सवाल है। सो आप लोग एक एक करके आदित्य से, परिणीति से बात कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आएगा जी? ओ, लाल छड़ी मैदान खड़ी। हेलो हेलो सिद्धू पाजी, कपिल जी, आदित्य जी एंड स्पेशली मैम जी। हाय, आई केम फ्रॉम सूरत गुजरात एंड माय क्वेश्चन इज फॉर परिणीति। सूरत इंग्लैंड में पड़ता है? नहीं गुजरात नहीं है। इतनी बल्क में इंग्लिश क्यों आ रही है आपकी? हां परिणीति मैम, एक्चुअली आई हैव सी, मैंने आपका मूवी देखा था इशक ज़ादे, उसमें आपने आई एम एक्चुअली फ्लैट ऑन यू दैट। क्या? आई एम फ्लैट ऑन यू। फ्लैट ऑन यू। हिंदी बोल, हिंदी हिंदी। अच्छा फ्लैट, 1 BHK के 2 BHK फ्लैट। मैं एक्चुअली मैंने आपकी उसके अंदर एक्टिंग देखी थी जी, तो आपने अर्जुन आपने गोली वाला लास्ट सीन किया था जी, सो गोली वाला आई वांट टू परफॉर्म विद यू, अगर आप मुझे ओरिजिनल गोली में मारेंगे तो भी मैं खाने के लिए तैयार हूं। आई जस्ट वांट टू परफॉर्म दैट सीन विद यू। हां जवाब कर दिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले आओ विद योर रिवॉल्वर। ही चोजन द राइट सीन। गोलियां दो यार, गोली। ओके, मुंह से ऐसे चला देंगे। हां AK-47 भर के मारना ताकि बचने का चांस ही कोई ना हो जी। हेलो, हाय, अब दूर दूर क्यों हो रहा है, करंट मारती है क्या? नहीं, एक्चुअली ये दुनिया बड़ी कमजोर है, कमजोर है, कमजोर। ये दुनिया वाले दो प्रेमी को चेन से नहीं जीने देंगे जी। उससे अच्छा हम लोग गोली मार देते हैं। आप मुझे डुप्लीकेट मारिए। आप मुझे डुप्लीकेट मारिए, मैं आपको असली मारूंगा। नहीं नहीं नहीं, अगर इन्होंने मुझे डुप्लीकेट मारी तो मैं जीऊंगा, तो इनको प्यार करूंगा। अच्छा। अबे तू रोमांस कर रहा है कि डरा रहा है उसको? मैं कंफ्यूज हूं, मैं कंफ्यूज हूं। डुप्लीकेट गोली मारी है? मैं थोड़ी कंफ्यूज हूं। हां बोलो, आप मुझे ओरिजिनल भी मारेंगे तो मैं खुशी-खुशी खा लूंगा। अच्छा, हां ओके, हम क्या कर रहे हैं, हम सीन कर रहे हैं ना? लास्ट सीन, यस। हां ओके, क्योंकि ये डायलॉग उस पिक्चर में नहीं है। आप अगर चाहते हैं तो हेल्प के लिए आपके सर पे कुछ मार दें। चलिए सर। हां तो सीन है कि हम हस्बैंड वाइफ है,
और गुंडे आ गए पीछे सारे और हम लोग भाग रहे हैं। और हाँ, हम भाग चुके हैं, बहुत भाग रहे, बहुत, मैं थक गया हूँ, अभी नहीं भागना और। हाँ, अभी गोली मार देते। इनको डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। हाँ एक मिनट, तो अब हम दोनों एक दूसरे को गोली मारेंगे और हम दोनों मर जाएंगे। हाँ? क्या रोमांस है, क्या हाँ? रोमांस है ये। ओके, गन का है, गन ये गन है। ये आपको गोली मारेंगी। हाँ ओके, यहाँ हाथ रखो। हाँ अब यहाँ परी, यहाँ यहाँ मारना। ओके हाँ ये पक्का इशक जादे का ही सीन है। अच्छा बंदा ढीठ था मरने वाला भी। हाँ। मरा, हाथ नहीं छोड़ा। कह रहे एक मिनट, मैंने गोली मारी तो मैं मर गई ना, लेकिन इन्होंने किया He's not leaving me. मैं कह रही हूँ छोड़, मर जा। चलिए शुक्रिया भाई साहब, धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। और कोई हमारे दोस्त जो परी से, आदित्य से बात करना चाहते हैं? हाँ जी आइए। ओ नीलोफर। हेलो सिद्धू सर, हाय कपिल, हाय आदित्य, हाय परिणीति, हाय। माय नेम इज आदा घाई एंड माय क्वेश्चन इज फॉर आदित्य। आदा घाई, क्या बात, बड़ा अच्छा नाम है, सूट कर रहा है आपको। सुभाषगी साहब की तरह। थैंक यू जी। आदित्य, एज यू नो अ लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस, सॉरी इन हिंदी, राइट? हां प्लीज प्लीज, नहीं आप इंग्लिश बोलो चलेगा, अच्छा लग रहा है जी। एज यू नो, आजकल लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस प्लेबैक सिंगिंग करती हैं, लाइक आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, श्रद्धा कपूर, इनमें से आपकी फेवरेट कौन है? परी खुद बड़ा अच्छा गाती है। मैंने गाना सुना भी नहीं अभी तक। आई हैव नॉट हर्ड, कौन से गाने? श्रद्धा, आलिया एंड प्रियंका। आई हैव नॉट हर्ड ऑल थ्री सॉन्ग्स। व्हाट, सच्ची में? बट हू इज योर फेवरेट? ऑनेस्टली बोल रहा हूं यार, आई हैव नॉट हर्ड इट। जस्ट एनीवन नेम, हिज फेवरेट वुड बी मी। Parinidhi Chopra. She is my favorite. You have to see. Because she is a very good singer, and I think we should. Hear her out. Hear her out. Hear her out. Yes, yes. Of course, why not? It's from Dawat Age. May you will sing the first line? I will sing the first. Okay. One, two. One, two. One, two. अदा, yes, आपको भी गाने का शौक है? No, not at all. तो अदा ये जो रखा हुआ है अपना, ऐसे किन्हों ने रखा था अदा नाम? पापा बड़ा यूनिक नाम है आपका। Thank you. किसके साथ आई हैं आप यहाँ पे? My brother, Rajit. छोटा ब्रदर के बड़ा है? बड़ा। बड़ा है? अच्छा अदा सिस्टर सुनो। दोनों भाई बहन आए देखने? सॉरी, दोनों भाई बहन आए? हाँ, देखा मैंने कहता था फैमिली शो है। थैंक यू सो मच फॉर आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त जो परी से बात करना चाहते हैं, आदित्य से बात करना चाहते? हाँ जी ब्राउनी। हाय सिद्धू भाई, हाय कपिल सर, हाय हाय परिणीति मैडम और आदित्य सर, हाय। आपका नया फिल्म आ रहा है दावत इश्क जी, उसका मैंने ट्रेलर देखा, बहुत मुझे अच्छा लगा। ट्रेलर नहीं, ट्रेलर। थैंक यू सर। बहुत वही फिल्म लेके मैं
भोजपुरी में बनाना चाहता हूँ आप दोनों को लेके। दावतेश को भोजपुरी में बनाना चाहते हैं? हाँ सर। तो जो सब्जियां उसमें बनी वो भी भोजपुरी में? नहीं नहीं सर। अबे ये तो रिलीज हो लेंगे, गेहूं खेत में बेटा पेट में, ब्याह की तैयारी कर। सर आप दोनों पंजाबी है तो पंजाबी डांस तो बहुत सिंपल होता है, भोजपुरी डांस बहुत डिफिकल्ट होता है सर। कैसे मतलब? करके दिखा, करके दिखाइए ना, करके दिखा। आपने हाथ क्यों खड़ा किया बाजी? कि ये बताने के लिए कि पंजाबी डांस इजी नहीं होता है? अगर भोजपुरी इतना ही मुश्किल है तो पंजाबी डांस भी इतना आसान नहीं है। जे बात आ जाओ मेल कर लेते हैं। ओपन चैलेंज है क्या? पारा आ जाओ फिर, आ जाओ। मुकाबला मुकाबला जी आइए इधर। डांस कर रहा है भंगड़े वाला पूरा वट कर देने। जे बात पाजी का कहना ये है कि पंजाबी डांस इतना इजी नहीं है और इनका कहना है कि इजी है, हमारा ज्यादा मुश्किल है। एक काम करते हैं, एक पंजाबी सॉन्ग प्ले करता हूँ, उस पर भोजपुरी डांस करिए। अरे अब भोजपुरी करो उस पर पंजाबी। पंजाबी भी डांसेंगे और नाच। हाँ ठीक है, ओके फिर ठीक है, भोजपुरी ट्रैक प्ले किया जाए। ये बहुत मुश्किल डांस है। ओ पाया जफ्फी विदाउट पप्पी आ जा। आ गया यार तू। इसमें माइक कम है। नंबर पंजाबियों की शान वखरी बना दिया। जफ्फी डाल यार तू, पहले सांस ले ले फिर जफ्फी डालियो। बम निकाल दिया तूने यार, बंदा छा गया। तू खाया पिया कर गुरु। खाया पिया कर। शुक्रिया पाजी, शुक्रिया भाई साहब। और कोई हमारे दोस्त जो परी से आदित्य से बात करना चाहते हैं आप? जी सर। हेलो सिद्धू जी। सर परिणीति जी, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है जी। आप सुंदर तो हैं जी, आपका फिगर भी आपने मेंटेन किया हुआ है। थैंक यू सर। लेकिन मैं आज तक आपने किसी भी पिक्चर में, फिल्म में अपना क्या बोलते हैं उसको, आइटम सॉन्ग नहीं किए। आइटम सॉन्ग नहीं किया जी। मैं चाहता हूँ किसी जमाने की हेलन जी, हेलन हेलन जी के सर सर उसके ऊपर कोई भी फिल्म के ऊपर। परिणीति को देख के बड़ी इच्छाएं जाग रही हैं आपकी। एक फिल्म का डांस करके आप दिखा दे दो। आप करेंगे साथ में? आप अगर साथ में करेंगे तो मैं करूंगी। नहीं काफी है। नहीं 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 आप आएंगे तो आप ही आइए साथ में। ये आ गए उनके आने से पहले पहले बजा दो। क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? वेलकम, आइए। वाह बड़ा अच्छा डांस किया आपने। जो आपने कांपने वाला स्टेप किया वो बड़ा तगड़ा था। जोरदार तालियां होनी चाहिए यार जब कोई। और...
वैसे भी जब कोई आके परफॉर्म करता है अपना वो लच्छा नहीं रहता अपने मोहल्ले में अपनी भैंसे खुली छोड़ देता किधर भी घुस जाती हैं। शर्मा जी, I'm not भैंस, I'm लच्छा, सबसे अच्छा। अरे परिणीति चोपड़ा जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। कैसे ठीक एकदम? आप और आपके एंटेना कैसे हैं? अरे एकदम बढ़िया, आप क्या बताएं। अरे आदित्य जी, हाँ जी, बहुत खुशी होती है आपको देखकर। थैंक यू सर। नहीं आपके भी हम सब फिर, अरे अभी कुछ दिनों पहले आपके चलचित्र का फिल्मांकन हो रहा था। हम क्या चलचित्र का फिल्मांकन हो क्या है? आपके फिल्म की शूटिंग हो रही थी, हम वहाँ पर आए थे। अच्छा, एक्चुअली आजकल बारिश हो रही है तो नेटवर्क पकड़ता नहीं इंटरनेट का। मैं कुछ गलत बोल जा रहा हूँ। हाँ, तो फिर नहीं, हम वहाँ पर आए थे, हमने आपको आवाज भी दी थी, हम दूर खड़े थे, हमने कहा था कि ए सुन रहा है ना तू, देख रहा हूँ मैं। शायद आपने हमें बिल्कुल देखा नहीं, टोटली हमको इग्नोर कर दिया, पर कोई बात नहीं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमें पता चला कि इस फिल्म में आपने कुछ होटल बोटल खोला है। करेक्ट। नहीं बहुत अच्छी बात है। क्यों? नहीं क्या है कि फिल्में तो ठीक है चलती रहती है, फिल्म होती है दो ढाई घंटे की, अपने को पूरी लाइफ गुजारनी है। करेक्ट। कोई दूसरा बिजनेस तो देखना ही चाहिए। सही बात। ये लच्छा, तेरे को पता है इनको पैसे की कोई कमी नहीं तेरी तरह? शर्मा जी, इट इज नॉट अबाउट पैसा। घूम फिर के आप क्यों पैसे पे आ जाते हैं पता नहीं, इट इज अबाउट बिजनेस। अच्छा, जितनी तेरी जुबान चलती उतनी कहीं तू टांगे चला ले तो तेरा पेट थोड़ा आधा हो जाएगा। ये बकवास करता है तू। शर्मा जी, घूम फिर के आप वही बातों पे आ जाते हैं। तेरा दिमाग खराब है, तू भैंसों के बीच में रह रहे के तू भैंस हो गया तेरा दिमाग। शर्मा जी, जितनी बार आप हमें भैंस कहते रहते हैं भैंस कहते रहते हैं, हमें तो कभी डर है कहीं आप दूध देना ना शुरू कर दे। अब देखिए आदित्य जी, बिजनेस की बात निकली है तो एक बिजनेस टू बिजनेस बात कर लेते हैं। कैन आई हैव अ सीट? बिकॉज बिजनेस का बात। हैव अ सीट। यस यस। तो देखिए बिजनेस में क्या है कि हम चाहते हैं आप जो होटल खोलें, खोलें आप होटल, बहुत सारे होटल वोटल खोलिए आप, उन सारे होटल में मिल्क प्रोडक्ट की जब आपको जरूरत हो तो हमें याद कीजिए। अरे बाबा, लखनऊ से आते आते तो खराब हो जाएगा तू। अरे फिल्म को प्रमोट करने आप भी लखनऊ से आए, आप खराब हुए। अब छोड़िए बातों को, छोड़िए, बोल दिया। अब हम क्या डेयरी फार्म वाले आदमी, हमें इतना पता नहीं है चीजों का। तुमने डेयरी फार्म कब से खोल लिया बे? शर्मा जी, आपको पता नहीं हम क्या करते हैं? भैंसे रखी हुई, मेरे को पता है। तो भैंसे क्या, हम गर्ल्स हॉस्टल में रखते हैं। वैसे हमारे यहाँ के जो दूध और दही के प्रोडक्ट्स, वो फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आप कहें तो अभी के अभी एक फ्रेश लस्सी आपको पिला सकते हैं। हाँ, आई लव लस्सी। डॉक्टर ने मुझे बोला है लस्सी रोज पीनी चाहिए। लीजिए। तो अभी तैयारी यहीं पर है, ले लीजिए। बना के लाया? नहीं नहीं, ये खाली है, लस्सी अभी हम बनाएंगे फ्रेश। ओके ओके। अच्छा, दो। हाँ। अब फ्रेश कहाँ से बनाएगा? दही भी लाए, ये देखिए। एक मिनट, देखिए आपके कुछ कपड़े पे गिरना जाए ऐसा। हाँ। आप पकड़िए। तो मेरे कपड़ों पे गिरेगा, मेरे कपड़े खराब नहीं होंगे? अरे आपको क्या है, आपके कौन से कपड़े इतने महंगे होते हैं? ये रहा, हमने डाल दिया दही, हम सब लेकर आए हैं। अभी के अभी फ्रेश लस्सी बना के आपको ट्राई करवाएंगे। ये देखिए, शुगर इज शुगर, सॉल्ट इज सॉल्ट, सब है। ये शक्कर, अब ये बन रही है लस्सी है, ऐसे कैसे मिक्स होगी? अबे ऐसे कोई लस्सी बनाता क्या ऐसे? ये लीजिए एकदम फ्रेश लस्सी। अब ये ढूंढा ले तैयार। नहीं, डॉक्टर ने मुझे बोला है बस सुबह 11 बजे ही पीना है। नहीं, डॉक्टर की बातें मत सुनिए, लच्छा की बातें सुनिए। आप लीजिए लस्सी है। लीजिए लीजिए लीजिए, कम कम परी, चलो। अरे लीजिए ना। अरे नहीं नहीं, मत पीना। अरे कपिल, कपिल अगर तुम इसे प्यार करता है तो। <laughs>
कपिल नाक बंद करके पी ले। मेरे को अपनी कैलकुलेशन करने दो, अगर आज लस्सी पी ली तो ये है, अगर नहीं पी तो प्रियंका। नहीं देख परी, तुम मेरे को ट्रेन के नीचे आने को बोलेगी तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन अरे हमने पूरा अपना प्यार डाला इस लस्सी में। और बात प्यार की नहीं है, प्यार इसमें तो डाला ठीक है, लेकिन वो प्यार पहले पता नहीं कहाँ कहाँ डाला, मेरे को क्या पता। तो मजाक कर रही है। भरोसा रखो, आप हमारी बनाई हुई लस्सी नहीं पिएंगी सुबह 11 बजे जंगल पानी निकल ले 11:15। तो अब हम आपके लिए काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना होगा आपके जी, लिए जी। तो हम आपके लिए गाना गाएंगे। हाँ ओके, गा रहे हैं हम जी, देख रहे हैं हम। देखिए गाने के लिए हम पूरा गाना भी गा सकते हैं, लेकिन आप इतने में ही समझ गए होंगे कि इस मनुष्य की वजह से हम कितने परेशान हैं। हाँ, लेकिन आप बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हम आप लोगों को अपनी परेशानी का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। हाँ। परेशानी आपको देकर नहीं जाएंगे, आपके चेहरे पे हमें हमेशा स्माइल देखनी है। उसके लिए हम जानते कि आप हमारी स्माइल देखेंगे तो आपके चेहरे पे बाय पब्लिक डिमांड हम आप लोगों को स्माइल दिखा देते हैं। फिर से एक बार हम सारी लेडीज से अनुरोध करेंगे, प्लीज उठ के आइएगा मत स्टेज पर। प्लीज सब लोग अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा। प्यार व्यार हो गया तो हमारी गलती नहीं है। रेडी रेडी। लच्छा तेरी लस्सी लीक कर गई। देखिए आप लोगों की परेशानी हम दूर कर चुके हैं, आपके चेहरे पे हम स्माइल ले आए, यही हमारा इरादा था। बाकी ये मनुष्य तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसका कुछ हो नहीं सकता है। हम अब चलते हैं, चलिए शुक्रिया। ओके चलिए। मैं आदित्य को लेके आई, मेरे जोड़ीदार को साथ लाई है। आदित्य तेरा जोड़ीदार कैसे हो गया दादी? वो क्या है ना बिट्टू, मार्केट में दो ही लोगों की शराब फेमस है, या इसकी या मेरी। बहुत देर से बोल रहा ना, गला सूख गया होगा, ये ले। She's a drunk. थोड़ी इधर हो जा। पूरा मत खत्म कर। And actually क्या है ना, I and Aditya we go long way back. Yeah. आशिकी 2 में हम दोनों का प्यार गहरा हुआ था, याद है कि नहीं? वो कैसे? उन दिनों मैं डुप्लीकेट किया करती थी फिल्मों में। अच्छा अच्छा। रिस्की से रिस्की सीन्स जो थे ना वो मैं ही करती थी। श्रद्धा कपूर ने करने से मना कर दिया था, तो जैकेट के अंदर वाला पप्पी वाला सीन मैंने किया था। नहीं, आप थे? तू तो टल्ली था, तुझे कैसे याद हो गई? दादी झूठ बोल रही तू। उफ, ये समाज और ये समाज के लोग कभी किसी पर यकीन नहीं करें, इनको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। और कभी प्रूफ करते तू पहनी नहीं जैकेट। कैसे करेंगे प्रूफ? एक कोई जैकेट तो
Shut up. गुलदिया. वो फ्रिज. आदित्य राय वो भी कपूर. हाय आदित्य. हाय. परनीति को हेलो क्यों नहीं बोला? हाय गुत्ती. मेरी कंपटीशन की हीरोइन ने खुद हाय बोले, मैं क्यों उनको हाय बोलूं? हाय गुत्ती. वेलकम गुत्ती. वेलकम. नाइस टू मीट यू. वेलकम. नाइस. गुत्ती तेरा हेड ड्रायर जैसा मुंह, तू परनीति के साथ कंपटीशन करेगी? तुम्हारा भी तो एंड्रॉइड जैसा मुंह है, मेरे को हेड ड्रायर से बोल रहे हो? चुप कर विक्टर शर्मा, खबरदार जो तू इसकी बेइज्जती किया तो. बढ़ाया. हां दादी. हां. अरे तुझे पता नहीं है, जब ये पैदा हुई थी ना, गवर्नमेंट ने मार्केट से चमन्नी बंद कर दिया था. वो कहते थे कि मार्केट में या तो गुत्ती रहेगी या चमन्नी. खुद तुम्हारा ठन्नी जैसा मुंह है. मेरे मुंह से डबल साइज का मुंह है तुम्हारा. मुझे चवन्नी कह रही हो. चवन्नी चवन्नी चवन्नी. बुढ़िया. ये गुत्ती, तू दिमाग का दही कर रही है अभी. शुक्र करो तुम्हारे घर में दही आ गया इस बहाने. कुछ खाने के लिए है नहीं दिमाग का दही. तू क्यों आती है यहाँ? यहाँ पे दावतेश चल रहा है तो मैंने सोचा कि मैं भी ज्वाइन कर ही लेती हूँ. ओ यार, चुन्नी ठन्नी के चक्करों में पड़ गई. इंट्रोडक्शन तो कराना भूल गई मैं. हेलो परिणीति, गुत्थी, गुत्थी, दादी, दादी, सौ लोग, 100 नहीं सॉरी 150 लोग. गुत्थी 550 लोग हैं अभी. बस बस बिट्टू बस, शो की कास्टिंग तो इसने कर दी. तू कह दे तो शो का डी एंड कर दूं. अरे नहीं दादी, मार मुक्का. अरे मुक्का वाली क्या बात है यार. अरे यार लड़ू मत यार, यहाँ पे दावत इश्क चल रहा है. इश्क इश्क बटोरो. इश्क बटोरो. मेरा तो हो गया. रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स. She means to say, let's party. Party? हम डांस करेंगे. डांस करेंगे. बढ़िया है, तुम वही तारे मान जो डांस करोगी. डांस कहाँ से कर लोगी? एक काम करते हैं, मैं सोचती हूँ इंटरनेशनल म्यूजिक गेम खेलें तो मजा आए. हाँ, अच्छा? हाँ. इंटरनेशनल. हाँ मैं USA से सीख के आई हूँ. कहाँ से? USA. कौन कहाँ गई थी, कौन सी कंट्री? USA. अच्छा. फॉरेन 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 गई थी, फॉरेन गई थी. अच्छा ये बता, वहाँ इस गेम को बोलते क्या है? इट इज कॉल्ड अंताक्षरी. झूठ बोल रही तू? अंताक्षरी तो अपनी नेशनल ही है ना. नेशनल गेम तो अपनी वो हॉकी है ना. चलो शुरू करते हैं. काम करते हैं, पहले टीमें बांट लेते हैं. क्या? टीमें बांट लेते हैं पहले. चलो चलो टीमें बांट लेते हैं. कैसे कैसे? दादी आपकी एक टीम बना लो, एक मेरी टीम हो जाती. मैं और मेरी टीम में परिणीति और मैं और आप और आदित्य. तुम रेफरी और ये बॉर्डर है. लाइन क्यों की थी तुमने? वही ना, इधर के गाने लाइन के, इधर के गाने आपके, आपके वो हमारे. अंताक्षरी हो रही है, कबड्डी हो रही है. पता नहीं फॉरेन का गेम है. फॉरेन का. चल शुरू करते हैं. वैसे वैसे ही खेलते हैं. वैसे शुरू कर, शुरू कर. बड़े चल, बड़े पड़े हैं क्या करें, बड़े पड़े हैं क्या करें. निकालनी है भड़ास, आज ब्लू है पानी पानी. शुरू करो अंताक्षरी, बंद करो बकवास. माँ से गाओ. माँ से. माँ से कैसे? माँ से कैसे मतलब क्या? माँ से गाना पड़ेगा. अरे लेकिन माँ से टिक टिक टू. अरे टिक टिक क्या? टिक टिक थ्री. मुझे कुछ कहना है. कहना नहीं है, गाना है. अरे ये गाना है. अरे मैं गाना गा रहा हूँ. अरे मुझे 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 कुछ कहना है. मुझे कुछ कहना है. क्या? नहीं यही गाना है मेरा. ओ ताड़ू 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 नहीं ताड़ू देखना रहेगा इसको. मेल वॉइस दे. माँ 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 आप गा रहे थे, मुझे कुछ कहना है. मैंने तभी उठा लिया था. नहीं 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 तेरा बाप का है जो कैसे आगे की लाइन की वेट नहीं करने में बहुत फास्ट हूँ. मैंने है वहीं से उठा लिया था. ऐसे थोड़ी ना. हाँ सर से गाना. सर हुक हुक से गाना. हुक हुक
हुक से आ गया हुक आ गया ओके हुक के साथ आ गया हुक आ गया से दो हुक चोली नहीं उसमें गोरी तेरा गांव है चीटिंग गोरी क्या पहनते चोली पहनते ना अपनी लाइन में यहाँ लाइन में बात करो यहाँ पे ये अमेरिका के रूल्स हैं ओके उसे अमेरिकन साइड ओके चोली गोरी पहने गोरी चोली पहनेगी ओके ठीक है तो फिर हुक किधर से आ गया चोली के पीछे क्या होती है हुक क्यों होती है ना कि कड़ी होती है तुम्हारी चोली के पीछे क्या है मेरी चोली के पीछे दरवाजा है यहाँ से आया बकवास है तेरे साथ खेलना बकवास है तू बकवास तू बकवास तू बकवास तू बकवास ये चाकू नकली नहीं है मार देती नकली है गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड ओके ओके गुत्थी दो मिनट चुप रहेगी एक मिनट बॉर्डर मिटा दो अच्छा एक बार परी और आदित्य के लिए जोरदार तालियां अरे परी आपने हमने कितनी सारी बातें की बाजी आज लेकिन किसी ने जिक्र नहीं किया फिल्म की रिलीज डेट कब है 19 सितंबर 19 सितंबर को दावते इश्क रिलीज हो रही है आप सब इस दावत में इनवाइटेड हैं अपने परिवार के साथ जाइए मजा कीजिए खाइए पीजिए और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हर शनिवार रविवार रात 10 बजे For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.